बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो प्रीवियस टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए गए थे उस टॉपिक से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में अवेलेबल है, हम लोग वो देखते हैं। 3.1 शॉर्ट क्वेश्चन है बुक में, कहता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटीज़। एक बात, फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी डिफाइन एक्सेलरेशन, गिव एस ए यूनिट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो हमने पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को डिफाइन किया, बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। एंड इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के इंटरवल इक्वल लेने चाहिए लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए अनइक्वल, तो ये हमारे पास होगा वेरिएबल वेलोसिटी। देन होते हैं एक्सेलरेशन। देखिए वेरिएबल वेलोसिटी से हम लोग ये कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of a body is known as acceleration. अब आपको याद होगा a is equals to del v by del t last time topic में लिखा गया था। सो ये हमारे पास acceleration की definition बन गई। SI units के हवाले से अगर हम बात करें तो SI units में velocity के लिए होता है meter per second, acceleration में होता है हमारे पास क्या जी, meter per second per second, यानी meter per second squares। 3.2 एक शॉर्ट क्वेश्चन बुक में मौजूद है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। तो हमने ये बात की है कि द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर, वो हवा में था। Because the force of gravity is actually downward, vertically downward, while the object is thrown vertically upward. So, lihaza hamare paas sign of jo acceleration hoga, it will be the negative. Next, aa jaati hai 3.3 par. Kehte hai, can the velocity of an object reverse the direction while the acceleration is constant? Acceleration constant hai. Kya velocity apni direction change karegi? If so, give some example. Yes, the velocity of an object reverses the direction when the acceleration is constant. जब हमारे पास acceleration क्या था, constant था। For example, when an object is thrown vertically up, the velocity of an object is negative due to gravity, and when the object falls downward, its velocity is positive. So velocity अपनी direction change कर रही है वाइल हमारे पास जो एक्सेलरेशन है दैट इज कॉन्स्टेंट, जी की वैल्यू 9.8 के हवाले से। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल जो चीज़ें हैं वो 3.7 एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोगों की किताब के अंदर मौजूद है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास द एक्सेलरेशन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट द मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी is a special case of motion with constant acceleration. Is this statement is true or not? Discuss it. Yes, this statement is true. Motion with constant acceleration is a special type of motion. देखिए अगर हम लोग बात करें कि constant velocity हमारे पास अगर हो, कोई object move कर रहा है straight road के ऊपर और वो constant velocity के साथ move कर रहा है, तो उसकी velocity constant होने की वजह से acceleration जो है वो zero हो जाएगा, और जीरो को भी हम लोग कांस्टेंट ही कंसीडर करेंगे। सो मैं ये कह सकता हूँ कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन स्पेशल केस ऑफ मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी द एक्सेलरेशन इज जीरो एंड द मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। सो ये आज का हमारा टॉपिक था, ये जो आज के हमारे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से थे। अगला हमारे पास न्यूमेरिकल्स देखेंगे और देन हम लोग मोमेंटम की तरफ चले जाएंगे। So, thank you very much.